हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल्ला सलीम और आप देख रहे हैं M4 मूवी। सो गाइस, आप लोगों ने मेरी डीसी फैंडम वाली वीडियो तो देखी होगी, जिसमें मैंने बताया था कि डीसी फैंडम 22 अगस्त को शुरू होगा और पूरे एक दिन तक चलेगा। तो डीसी फैंडम में हम लोगों को काफी ज्यादा डिटेल्स मिली अपकमिंग प्रोजेक्ट के हवाले से, और अपकमिंग मूवीज के काफी ज्यादा ट्रेलर्स भी दिखाए गए। तो मैं सारे अपडेट इसी वीडियो में कवर करूंगा। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फौरन सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, उससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो अपडेट कौन सी है उनको जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट जो हम लोगों को डीसी फैंडम में देखने के लिए मिला वो वंडर वुमन के बारे में था। हम लोगों को इस पैनल में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई सिवाय वंडर वुमन के ट्रेलर के हवाले से, और हम लोग उस ट्रेलर में चीता के लुक को भी अच्छे से देख सकते हैं। और हाँ, मैंने उस ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर दिया है, अगर आप लोगों को ब्रेकडाउन देखना है तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये ट्रेलर अब वार्नर ब्रोस के ऑफिशियल साइट पे भी अवेलेबल है, और हाँ, अगर आप लोगों को ये ट्रेलर देखना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस, सेकंड अपडेट, सुसाइड स्क्वाड की तरफ से डीसी फैंडम में हम लोगों को जेम्स गन ने सुसाइड स्क्वाड का करेक्टर ट्रेलर दिखा दिया, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग था, और हम उसमें सारे करेक्टर्स के नेम और डिटेल देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को सुसाइड स्क्वाड के बिहाइंड द सीन भी दिखाया गया, जिसमें हम लोग फाइट सीन्स देख सकते हैं। और हाँ, बातों ही बातों में जेम्स गन ने हम लोगों को ये भी बता दिया कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, जो कि वो डायरेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को सुसाइड स्क्वाड का करेक्टर ट्रेलर बिहाइंड द सीन देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और यही दोनों वार्नर ब्रूस के ऑफिशियल चैनल पे भी अवेलेबल है। जहाँ डीसी फैंडम हो और ब्लैक एडम की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, थर्ड अपडेट ब्लैक एडम के बारे में, तो हम लोगों को डीसी फैंडम में ब्लैक एडम का एक छोटा सा टीजर दिखाया गया और उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिली। टीजर में कहीं भी ड्वेन जॉनसन तो देखने के लिए नहीं मिले, लेकिन ये टीजर ब्लैक एडम की स्टोरी को हाईलाइट करता है। और हाँ, अगर आप लोगों को ये टीजर देखना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और हाँ, ये टीजर वार्नर ब्रोस के ऑफिशियल चैनल पे भी अवेलेबल है। नेक्स्ट अपडेट मल्टीवर्स के बारे में है। डीसी फैंडम में हम लोगों को मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है कि अब तक की जितनी भी कार्टून मूवीज और टीवी सीरीज आ चुकी है, चाहे वो 90s के दौर की ही क्यों ना हो, आपस में कनेक्ट है। और हाँ, सारी की सारी मूवीज और टीवी सीरीज अपने अपने यूनिवर्स से बिलोंग करती है। तो डीसी का मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और इसको देखने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो डीसी फैंडम शुरू होने से पहले हम लोगों के लिए एक सरप्राइज पैनल भी रखा गया था, लेकिन उस पैनल को एक दिन पहले ही हटा दिया गया, और उस पैनल को क्यों हटाया गया वो मैं आप लोगों को इस अपडेट में बता देता हूँ। तो ये अपडेट फ्लैश पॉइंट मूवी के बारे में है। फ्लैश का रोल करने वाले एक्टर इज़रा मिलर ने हम लोगों को फ्लैश पॉइंट के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने हमें ये बताया कि फ्लैश पॉइंट में फ्लैश टाइम में आगे पीछे जाके काफी ज्यादा चेंजिंग कर देगा, जिससे टाइमलाइन में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो फ्लैश पॉइंट मूवी में हम लोगों को मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी दिखाया जाएगा। और हाँ, जिस सरप्राइज पैनल के बारे में मैंने बात करी थी वो फ्लैश पॉइंट मूवी से कनेक्ट है और बेनेफ्लिक्स के बारे में है। जब फ्लैश टाइम ट्रेवल करेगा तो वो बेनेफ्लिक्स वाले बैटमैन से मिलेगा, और हाँ, हम लोगों को बेनेफ्लिक्स वाला बैटमैन दोबारा से नजर आएगा। और फ्लैश पॉइंट मूवी एक ऐसी मूवी होने वाली है जो कि डीसी को एक सॉफ्ट रिबूट देगी। और फ्लैश पॉइंट के डायरेक्टर ने हम लोगों को फ्लैश पॉइंट की दो कॉन्सेप्ट आर्ट भी दिखाई। पहले कॉन्सेप्ट आर्ट में हम लोग उसके नया ड्रेस को देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है, और दूसरी कॉन्सेप्ट आर्ट में हम लोग उसको बैटमैन के साथ खड़ा हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट बैटमैन के बारे में, डीसी फैंडम में हम लोगों को बैटमैन के बारे में काफी ज्यादा अपडेट देखने को मिली, और साथ ही साथ हम लोगों को बैटमैन का ट्रेलर भी देखने को मिला, जिसमें हम रॉबर्ट पैटिंसन को बैटमैन के रोल में देख सकते हैं। बहुत से लोगों को बैटमैन का सूट पसंद नहीं आया, पर्सनली मुझे भी बैटमैन का सूट इतना कुछ खास नहीं लगा, लेकिन उन लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि मूवी रिलीज होने में पूरा एक साल बाकी है और इसकी प्रोडक्शन हाउस इस पर अभी काम कर रही है, तो हो सकता है अगले साल तक वो लोग सूट को थोड़ा इम्प्रूव कर दें। और हाँ, अगर आप लोगों को बैटमैन का ट्रेलर देखना है तो वार्नर ब्रूस के ऑफिशियल चैनल पे अवेलेबल है, और हाँ, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो नंबर फर्स्ट पे जाने से पहले कुछ और अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि डीसी फैंडम में हम लोगों को द बैटमैन का गेम दिखाया गया, कुछ कॉमिक्स के बारे में बताया गया, एनिमेटेड सीरीज के बारे में बताया गया, और टीवी सीरीज के बारे में भी बताया गया। सो नेक्स्ट अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जैक स्नाइडर कट के बारे में है। तो जस्टिस लीग जैक स्नाइडर कट के बारे में जैक स्नाइडर ने बोला कि HBO मैक्स पर रिलीज होगी नेक्स्ट ईयर, और ये 4 घंटे की होगी और ये 4 पार्ट में रिलीज होगी। और जैक स्नाइडर ने हम लोग को जस्टिस लीग का ट्रेलर भी दिखाया, जिसमें हम लोग डार्क साइड और स्टीफन वुल्फ का एक अलग वर्जन देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को ये ट्रेलर देखना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो गाइस, ये वो अपडेट थी जो कि डीसी फैंडम में आई थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अपडेट अच्छी लगी होगी, और अगर मुझसे कोई अपडेट मिस हो गई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।